फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हम लोग एयर कंडीशनर यूज करते हैं, लेकिन बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा होने की वजह से कम एयर कंडीशनर चलता है, या एहतियात रखते हैं या फिक्रमंद रहते हैं कि बिजली बहुत खर्च हो रही है। यहाँ पे एक ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा है, जिसमें कि 27 इसका हम लोगों का सेट टेम्परेचर है। एम्पियर्स देखेंगे तो ये 4.16, 4.14, 4.13, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो सफ़द 232 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्च हो रहा है, ये खर्चा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एम्पियर है, हमारे पास वोल्टेज है, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का खर्च हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी हमारा कस्टमर है वो भी कैलकुलेट कर सकता है, या हमने नया एयर कंडीशनर इंस्टॉल किया है, कस्टमर को कुछ दिन यूज़ करने के बाद फील होता है कि ये तो बिजली बहुत खा रहा है, तो हम कस्टमर के एंड पे जाके उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपका एयर कंडीशनर कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कर रहा है। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि एयर कंडीशनर में जब यूसेज हो रहा है तो क्या खर्चा आना चाहिए। हम लोगों ने देखा था कि एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर जिसका रूम टेम्परेचर 27 के आसपास था, ये 4.13 एम्प्स लेकर, और वहाँ पे हमने वोल्टेज स्टेबलाइजर पे भी देखा कि 232 वोल्ट्स वहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर्स को वोल्टेज और पावर फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4.13 एम्प्स ले रहा है, 232 वोल्ट्स है, और पावर फैक्टर ये वो है जो लॉसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक के लॉसेस होते हैं मशीनरी की वजह से, तो 747 वॉट्स आ रहा है इस एयर कंडीशनर का जिसको हम लोगों ने चेक किया है। अब हम अगर यूनिट का फार्मूला देखेंगे तो वॉट मल्टीप्लाइड बाई आवर्स डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू यूनिट। हम लोग अक्सर कस्टमर के पास जाते हैं, नया एयर कंडीशनर इंस्टॉल किया है, कस्टमर ने एयर कंडीशनर लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचाया जा सके, लेकिन हो क्या रहा है, उसको लग रहा है, कस्टमर को हमारे फील हो रहा है कि ये तो बहुत खर्च कर रहा है। तो कोई भी इंजीनियर आसानी से वहाँ पे वोल्टेज निकाल सकता है, यूनिट्स निकाल सकता है, खर्चा निकाल सकता है, मंथ में कितना खर्चा हो रहा है वो भी निकाल सकता है। तो हमने क्या किया, यूनिट को निकालने के लिए वॉट इंटू वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे हम देखेंगे वोल्टेज जो है वो 747 है, 10 आवर्स तक वर्क कर रहा है, 1000 से डिवाइड किया तो 7.47 वॉट्स यहाँ पे आ गया। 30 डेज में ये क्या है, वन डे का 10 आवर्स अगर काम कर रहा है तो एक दिन का खर्चा है 7.47 वॉट्स। 30 दिन से मल्टीप्लाई किया तो ये करीब करीब 224 वॉट्स आ गया, 224 यूनिट्स आ गया, सॉरी ये 224 यूनिट्स आ गया। अगर बाई द वे यूनिट जो है वो 5.5 रुपये या 5.25 रुपये का है तो करीब करीब मंथ का खर्चा जो है वो दैट विल बी 1176। सो इस तरह से आसानी से हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं, एम्पियर पता है हमको, वोल्टेज पता है, पावर फैक्टर नॉर्मली उत्तर प्रदेश में तो 0.8 या 0.78 है। वोल्टेज निकाल लेंगे, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके यूनिट निकाल लेंगे, इसी तरह से यूनिट से हम एवरी डे का, एवरी मंथ का खर्चा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक नॉन इन्वर्टर लगा है, वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है 229 एम्प्स, देखते हैं इसे कितने आ रहे हैं, एम्पियर पे करते हैं इसको हम, 5.6 एम्प्स ले रहा है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं क्या बताता है ये, एम्प्स हैं यहाँ पे 5.6, वोल्टेज है 229, तो 1575 रुपये आपके पूरे मंथ का खर्च आने वाला है। यही जब आप इन्वर्टर को देख रहे हैं तभी इन्वर्टर का और रिड्यूस होगा, ये 4.13 का 1100
61 रुपये। तो बहुत विजिबली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक इन्वर्टर में और एक नॉन इन्वर्टर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सेव की जा सकती है। जबकि ये अभी नॉन इन्वर्टर जो है ये 5.5-5.6 पे चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो इन्वर्टर यूनिट है वो अभी अगर हम देखेंगे तो वो रिड्यूस होके 2-3 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। चलिए देखते हैं उसको भी। अब यहाँ पे इन्वर्टर वाला 2.47 ले रहा है, 4.5 ले रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक्चुअल में पता लग जाएगा वोल्टेज भी वही 230-235 के आसपास आ रहा है। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 2.45 या 5 एम्स लिखा, 235 वोल्ट है, तो एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो 10 घंटे चल रहा है वो करीब करीब पूरे महीने में आपका 707 रुपये खर्चा करेगा। अगर यूनिट जो है वो 5.25 रुपये का है, यूनिट का प्राइस अगर बढ़ता जाएगा तो ये खर्चा आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो दोस्तों, फील्ड पे आप कभी भी एम्पियर वोल्टेज को देखकर वोल्टेज निकाल सकते हैं और फॉर्मूले में हम उसको डालेंगे वॉट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू किलो वाट आवर या यूनिट। यूनिट को हम पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर डे का निकल आएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मंथ का निकल आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैलकुलेट कर सकते हैं।